जय सच्चिदानंद। श्रेया हाँ गाओ हाँ जय सच्चिदानंद। अमें केवा पुण्य शाड़ी अमें केवा पुण्य शाड़ी भगवान नी भूमि का आदे है मैं निहाड़ी भगवान नी भूमि का आदे है मैं निहाड़ी अमें केवा भाग्यशाली ज्ञानी पुरुष पासे मुक्ति नी चावी भाड़ी ज्ञानी पुरुष पासे मुक्ति नी चावी भाड़ी अमे केवा
शाली अमिते वाकुमुल्यशाली आगम स्वरूप थावु ए मागमूति नो छे आगम स्वरूप थावु ए मागमूति नो छे सप्त क्रमाशमावु आस्वाद श्रुति नो छे सत्क्रमाशमावु आस्वाद श्रुति नो छे आस्वाद श्रुति नो आस्वाद श्रुति नो छे वांधाने वच कासहु वांधाने वच कासहु अज्ञानमाताओ एणे दीधी उड़ावी अज्ञानमान्यताओ एणे अमे केवा पुण्यशाली अमे केवा पुण्यशाली अमे केवा भाग्यशाली अमे केवा भाग्यशाली जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय केशान जी जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद ओके श्रीमत बोलिए प्लीज नमो वितरागाय नमो वितरागाय नमो अरिहंतानम नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो सिद्धानम नमो आयरियाणम नमो आयरियाणम नमो वज्जायाणम नमो वज्जायाणम नमो लोए सव साहुणम नमो लोए सव साहुणम ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचन उकारो सव पाव पनासनो सव पाव पनासनो मंगलाणं च सव्वेसिं मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद खुशी अहमदाबाद अनम्यूट करो हाँ जय सच्चिदानंद हे दादा भगवान आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने मैं पढ़ाई में बिल्कुल सुधर रहूंगी मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी छूटे नहीं ऐसी परम कृपा करना प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है
मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्योर बनी रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की बात हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ और उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। विनय। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाने समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरा दर्शन ऊपर का आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो, ऐसे आप मुझे परम शक्ति दें। जय सच्चिदानंद। अनुज। हां जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी हैं कच्चे, काम करेंगे अच्छे, काम करेंगे अच्छे। वेरी गुड अनुज। ओके दक्ष हिंदी। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप पर गो दक्ष लग्न। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप परमानेंट हो, दक्ष टेम्पररी है। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप रियल हो, दक्ष रिलेटिव है। जय सच्चिदानंद। प्रिया। हेल्थ जराती। हाँ जय सचिनानंद। हेल्थ की प्रेयर या सेपरेशन? सेपरेशन गुजराती। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, तमे जुदा छो, क्रिया जुदी छे। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, तमे रियल छो, क्रिया रिलेटिव छे। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, तमे परमानेंट छो, क्रिया टेम्पररी छे। जय सचिनानंद। हाँ जय सच्चिदानंद। स्वस्थ शरीर अपने शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, बौद्धिक, भावनात्मक तेमज आध्यात्मिक रीते मजबूत बनावे छे। हे दादा भगवान, मने आ बाबते शक्ति आपो। जय सच्चिदानंद। चिनाय। कड़ी मेहनत, ईमानदारी और नैतिकता से अज्ञान करने से उत्कृष्ट गुण देगा, अपने लक्ष्य को सफलता और खुशी को प्राप्त करवाएगा। हे दादा भगवान, मुझे इस संबंध में शक्ति आप। खुशी खुशी ठक्कर। हाँ जय सच्चिदानंद। दररोज अने निष्ठा पूर्वक बधा सत्साधनो करवाथी मारू मन मजबूत थशे, मारू चित एकाग्र थई मारा त्रण ध्येयो सिद्ध करावशे, मारी शक्ति वधारशे, मारू ज्ञान वधारशे, मारो व्यवहार सुधारशे અને દાદા ભગવાનના આશીર્વાદ પ્રાપ્ત થશે અને તેમના જગત કલ્યાણમાં નિમિત્ત બનાવશે। હે દાદા ભગવાન, મને આ બાબતે શક્તિ આપો। જય સચ્ચિદાનંદ। જય સચ્ચિદાનંદ। ઓકે વેરી ગુડ। તો અભી લાસ્ટ થર્સડે કેશવાનજી આયે થે, તો ક્યા મેસેજ દિયા થા કેશવાનજી કો? કિસકો માલૂમ હૈ, યાદ હૈ? सिंसियरिटी बनानी है और हमारी जो डिग्री है उससे हमें आगे ही बढ़ना है, डाउन नहीं जाना है, और हमें ग्राफ बना के हमें रोज चेक करना है हम कहाँ पर है, और हमें अगर हम डाउन जाते हैं तो हमें अपने आप से बात करनी है मिरर में जाके, और हमें पनिश करना है अपने आप को। ओके, तो अभी फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ताजा खबर क्या है?
अहमदाबाद। जय सच्चिदानंद। ये 3 दिनों में तो ताजा खबर तो कुछ है नहीं। सिंसियरिटी और मोरलिटी नहीं थी, ऐसे बोलते हैं आप? नहीं, सिंसियरिटी थी वो तीनों गोल में। हाँ, तीनों गोल में भी थी। आज रिपोर्ट भेजा है, हमने देखा ही नहीं, रिपोर्ट भेजा है? हाँ, मैंने भेजा है। क्या लिखा उसमें, वीकेंड का क्या प्रोग्रेस है, सब में सिंसियरिटी है? सब में नहीं है। तो कैसे आप बता सकते हैं कि सिंसियरिटी है? यशोदा दादा ने क्या बोला था? You to be sincere. Okay, Shreya, आप तो आपको तो बहुत कमी है, क्या धमाल कितना किया? खेला था। सिंसियर रहा था 3 गोल में? नहीं। मैंने डेली सूर्य नमस्कार किया था और मैंने डेली मुझे अभी रीडिंग में फोकस करना है, तो मैंने लेकिन रीडिंग भी करी थी। ओके, और योगा किया था, सुपर ब्रेन योगा? एक दिन छूट गया था और मैंने बाकी सारे दिन किया था। ओके, चिनाय छोटी। हाँ जय सच्चिदानंद, इस 3 दिन में मैंने संडे और मंडे मैंने दीदी खुशी दीदी के साथ तीर्थम भक्ति की थी और आज और रिपोर्ट नहीं भेजा, क्यों? किसी ने नहीं भेजा? दादा मैंने भेजी है। नहीं नहीं, चिनाई की बात कर, आपको तो आप तो ऑलमोस्ट सिंसियर हो गया। ऋषि गौतम। रिपोर्ट क्यों नहीं भेजा? स्कूल चालू हो गई? हाँ, मोनिका ना बोलती और आप हाँ बोलते। स्कूल स्टार्ट हो रही है, आज हॉलीडे था, आज हॉलीडे था 3 दिन तक। ओके, तो अभी स्कूल कब से स्टार्ट हुई? कल से। तो और आज छुट्टी थी? हाँ, आज बारिश के कारण छुट्टी। कल से यानी आज कौन सा दिन, मंडे है ना? हाँ, आज मंडे है, वो आज बारिश थी इसलिए। फर्स्ट डे कौन सा था? फर्स्ट डे लास्ट वेडनेसडे को था। कौन सा? वेडनेसडे। ओह, वेडनेसडे से स्टार्ट हुआ। ओके। मोनिका। हाँ जय सच्चिदानंद, आज मैं तीनों गोल में 3 दिन में सिंसियर नहीं रही थी। इदाक्षी बाबा। हाँ जय सच्चिदानंद, मैं तीनों गोल में सिंसियर रही थी। कैसे सिंसियर रहा था? 4 दिन से, सैटरडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे। हाँ, मैं सिर्फ एक फ्राइडे को सिंसियर नहीं थी। मैंने टेन योगा, टेन आउट ऑफ टेन किए, सूर्य नमस्कार 5 out of 5 किए और स्टडी में मैंने 2 घंटे स्टडी किए और एक्सरसाइज भी किया, 25 किए। तो खुशी किधर गई? गौतम लेकर क्यों दोनों साथ में गए? तो पनिशमेंट देने वाला था, क्या हुआ? किसी ने पनिशमेंट दिया खुद को? नहीं, किसी ने नहीं दिया। ओ दादा, अभी क्या करेगा?
सिंसियरिटी नहीं है, पनिशमेंट नहीं है, तभी सत्संग बंद कर देने मांगता है, ऐसा लगता है। वो दादाजी ने एक बार, दादाजी ने ऐसा ही बोला था कि भाई तुम सिंसियर नहीं हो तो कर से सत्संग में मत आना। तो हम सब लोग डर गए, बोला दादा के पास नहीं आएंगे तो फिर हमारी हालत क्या होगी। तो फिर सब लोग बैठ के जो पुरुषार्थ किया और हिम्मत की, उसके बाद दादा ने जो एक बार बोल दिया कि भाई तुम कर से सत्संग में मत आना, तो सबकी हालत खराब हो गई। क्योंकि एक बार जहाँ से प्रेम मिलता है, जहाँ से सब कुछ सीख सकते हैं, जहाँ से सब कुछ हम प्राप्त कर सकते हैं, तो उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि बड़ी मुश्किल से तो ये सब टाइमिंग्स और ये सब संजोग इकट्ठे होते हैं, और इतना बड़ा टाइम हमको हाथ में मिलता है, तो इसका तो बहुत बहुत उपयोग रखना चाहिए। वो दादाजी बोलते थे कि वो बच्चों के हाथ में क्या बहुत बड़ा हीरा दे दिया ना, कोहिनूर का हीरा, तो बच्चों को वैल्यू ही नहीं है दादा भगवान की। अगर बच्चों को वैल्यू होती, ये कोहिनूर हीरा कितने का होता है, अब जो रुपया खर्चे तो भी कोहिनूर हीरा को नहीं प्राप्त हो सकता, ऐसा दादा एग्जाम्पल देते थे। तो वो कोहिनूर हीरा का वैल्यू क्या है, एक बार वो अगर समझ में आ जाए तो फिर सिंसियरिटी तो उनके पीछे दौड़ेगी। पर पहले, सबसे पहले तो उसका वैल्यू समझना चाहिए कि क्या हमारे पास मिला है। वैल्यू जब तक नहीं होगी, जब तक हमको नहीं पता चलेगा कि भाई 1 लाख रुपए की क्या वैल्यू होती है, 1 लाख से हमको क्या चीज प्राप्त हो सकती है, 10 लाख से हमको क्या चीज प्राप्त हो सकती है, फिर 1 करोड़ से क्या प्राप्त हो सकती है, 1 मिलियन से क्या हो सकता है, क्या वैल्यू होती है 1 मिलियन की। तो वो 1 मिलियन आपके पास पड़ा हो तो फिर आप उसको क्या संभाल के रखोगे, कैसा फेंक दोगे? संभाल के रखेंगे। तो संभाल के रखेंगे कब पता चलेगा, कि जब आपको पता चलेगा कि इसकी वैल्यू है। तो दादा भगवान की जब तक वैल्यू नहीं समझ में आएगी, तो फिर रोज ऐसा ही होगा कि आज मैं नहीं किया, आज मैं सिंसियर नहीं रहा, तो फिर हमारी गाड़ी क्या है, प्रोग्रेस नहीं करेगी। दादा भगवान भी ऐसा करते थे, वो पूछते थे तो फिर कैसा कैसा रहा, तो बोला दादा आज ऐसा हो गया, आज मैं फ्लॉप हो गया, आज मैं भूल गया, आज मेरे से दादा ये रह गया। तो दादा फिर एक दो बार बोलते थे तो फिर दादा ने फिर बोलना बंद कर दिया, बोला कि अभी जिसको खोट खानी है वो खोट खाएगा, और जिसको फायदा प्राप्त करना है, जिसको वैल्यू है, वो आगे बढ़ जाएगा, और जिसको ये वैल्यू पता चलेगा कि इसकी क्या वैल्यू है, उसकी प्रोग्रेस तो होगी ही होगी, पर उससे ज्यादा दादा की ब्लेसिंग मिलेगी। क्योंकि आपने क्या किया, दादा की वैल्यू की, दादा की आज्ञा का पालन किया, दादा क्या है उसको आप समझा, तो उसके ऊपर तो दादा की विशेष कृपा रहती थी। जो दादा को फॉलो करते थे, जो दादा जैसा बनना चाहते थे, जो दादा की तरह हर एक बात को वैल्यू करते थे। दादाजी ने एक बार बोल दिया कि भाई सत साधन करना चाहिए, दादा भगवान का सिंह जय जयकारो बोलने से क्या फायदा होता है, वो दादा एक बार बोलते थे, फिर बार बार बीच में पूछते थे, दादा जब से आपने मुझे आज्ञा दी है मैंने आज तक एक बार भी मैंने मिस नहीं किया। बोले अच्छा, तो तेरा तो काम हो गया, तेरा तो कल्याण हो गया, ऐसा बोलते थे। क्योंकि दादाजी को जो आज्ञा का पालन करते थे, तो उसके ऊपर दादा की बहुत बहुत कृपा रहती थी। तो दादा खाली सर पे ऐसा टपली मार दे ना, तो उसका काम हो गया, पूरा जीवन उसका पूरा जीवन सफल हो गया, ऐसा बोलते थे। तो हमको दादा की टपली खानी चाहिए कि नहीं खानी चाहिए? खानी चाहिए। हाँ, तो दादा की टपली कब मिलेगी आप बताओ, सब लोग बताओ। दादाजी की जो ब्लेसिंग की टपली ऐसा मारते थे सर पे, और वो उनके ऊपर मारते थे जो दादा के पास बहुत सिंसियर होते थे, बहुत सिंसियर होते थे, उसको दादा बहुत सर पे टपली मारते थे। टपली मारने का मतलब पता है क्या है? दादाजी की ट्रिमेंडियस ब्लेसिंग। जो दादा के कहने के मुताबिक चलता था, जो दादा की आज्ञा का पालन करता था, जो दादा से बहुत सिंसियर था, उसको दादा स्पेशल ब्लेसिंग्स देते थे, और वो ब्लेसिंग से उनका पूरा जीवन बदल जाता था, और उनके माइंड में जो भी चीज होती थी वो हो जाती थी। क्योंकि उसमें से ब्लेसिंग से इतनी शक्ति प्रकट होती है,
फिर जो आप अपने इमेजिन करते हो, आप जो सोचते हो, जो आपको पढ़ाई में प्रोग्रेस करना है, जो आपके एम में आगे बढ़ना है, उस हर जगह पे आपको पुशअप मिलेगा। ब्लेसिंग्स मतलब क्या, हर डायरेक्शन में दादा की पुशअप मिलेगी, दादाजी का सपोर्ट मिलेगा। तो अभी आपको डिसाइड करने का कि आपको ब्लेसिंग्स चाहिए, दादा का सपोर्ट चाहिए, दादा की आपके ऊपर सब प्रकार की शक्तियां प्रकट हो, ताकि आप हर फील्ड में, हर जगह पे अपने मुकाम पे पहुंच सको। तो फिर वो दादाजी के कहने के मुताबिक तो चलना ही पड़ेगा। आपको क्या लगता है सबको? दादा का कृपा मांगता है कि नहीं आपको? दादा से प्रेयर करते हैं तो मिलता है। नहीं, मैंने पूछा आपको कृपा मांगता है कि नहीं। सोच रही है खुशी टक्कर, आपको कृपा मांगता है कि नहीं दादाजी का? हाँ चाहिए। कौन सा कृपा मांगता है आपको? दादा की तो सब कृपा अच्छी लगती है। सब की बात मत करो, आपको क्या मांगता है? वो पापा जाते हैं स्टोर में, जाते हैं पापा चॉकलेट खाने का, वो करते ऐसे करते, तो आपको क्या, कौन सा कृपा मांगता है? पहले तो मुझे लघुत्तम भाव का। ओके, और तीनों गोलों में कृपा मांगो ना, वो सब लघुत्तम सब आ जाएगा। तीन गोलों में लगे आयो, कुछ मिलेगा तो। फर्स्ट तो हेल्थ में मुझे बाहर का खाना नहीं खाना है, और स्टडी में अच्छा रहना है हमेशा, और सत्साधन मुझे हर रोज करना है। नहीं होता है रूपा कैसे मिलेगा? श्रेया हाँ, सेम क्वेश्चन दक्ष। ओके, आई एम कमिंग, एक्चुअली आई एम कमिंग। मुझे मेरे तीनों दादा से टप्पी ये चाहिए कि मैं मेरे तीनों गोल में एकदम अच्छा रहूं। नहीं नहीं, वो स्पेसिफिक मांगता है, वो तो जनरलिटी बोल दिया दादा। ऐसे तो 100% सब कृपा नहीं देगा दादा। हाँ, कि मुझे वन बाय वन सब कृपा मिल रही है, ये मुझे गुड, मुझे एकदम अच्छे से रीडिंग करनी है, और मुझे टीवी और मोबाइल नहीं देखना है इस एग्जाम अभी स्कूल चालू होने के बाद, और मुझे ये रिपोर्ट में लिखो आपका अभी अभी। ओके, आपका रिपोर्ट किधर है लिखो अभी। ओके, इताक्षी बाबू जी सचिदानंद, मुझे दादा के पास से ये शक्ति चाहिए कि मैं पढ़ने में लेजी ना हो। क्या हो? मैं पढ़ने में लेजी ना हो जाओ। पढ़ने में लेजी नहीं होता है, तो उसके लिए क्या करेगा आप? ऐसे दादा को ऐसे मांगेगा तो नहीं मिलेगा, उसको डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है। कैसे निकालने का इसकी बात करो। आप दादा को बोलेंगे कि हमको लेजीनेस इधर इधर आता है, मैं ये करूंगा, और दादा उसको ग्रेड देगा, बाद में कृपा मिलती है। ओके, मैं लेजी ना होने की किसमें लेजी नहीं है आपको, किसमें निकालने का है लेजी नहीं? स्टडी में। ओके, तो क्या करेगा अभी? लेजीनेस आएगा स्टडी में, क्या करेगा? एक थप्पड़ मारेगा जोर से, एक थप्पड़ मारेगा जोर से खुद को। हाँ। नहीं ऐसे मैं बता। ओके, तो ये लिखो, let's consider on one, Kushi, take one, one, stop,
एक पे पहले काम करो खुशी ओके ये इसका लेजीनेस है खुशी आप क्या करना क्या चाहती है मुझे भी सत्साधन करने में लेजीनेस है ओके दैट्स गुड वो तो इजीली ग्रेट कर सकते हैं दादा सत्साधन होता है इतनी देरी दो ओके तोरल मैं दादा भगवान से मांगूंगी तीनों गोल में सेंसर नहीं 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 तीनों गोल की मत करो एक ही चीज मांगो कि ये मैं करूंगा उसके लिए कृपा मांगता है पढ़ाई में सेंसर अभी क्या है प्रॉब्लम है पढ़ाई में मेरे को लेजीनेस हो रही है पढ़ने के लिए क्या करते हैं लेजीनेस क्या बोले केशव दादा लेजीनेस हो रही है पढ़ने में तो क्या करेगा अभी लेजीनेस निकाल के लिए जैसे तो आप वैसे देखो आप आए घर से ऑफिस स्कूल से आए और बोले मेरे को आज स्टडी नहीं करने का तो क्या करेंगे आप इतना सी बात तो थप्पड़ मारेगी खुद आप क्या करेंगे सोचो खुशी आपने क्या बताया सच्चाधन में लेजीनेस है Okay, तो आपको तो अभी ग्रेड हो सकता है और सीताक्षी बाल एड वन सेंटेंस इन योर रिपोर्ट कितनी थप्पड़ मारा दिन में और तोरल आप क्या करेंगे और दक्ष और रिपोर्ट में एक ऐड करो आपको नो टीवी नो मोबाइल मैं रिपोर्ट में नोट करता हूँ यस ओके एवरीडे अभी वही रिपोर्ट देने का दूसरा कुछ नहीं चलेगा केशव दादा हाँ एक पे करेगा कृपा आती है कि नहीं देखते का दादा का ठीक है जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद